हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सान ऑटो। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अवेलेबल क्रूजर बाइक के बारे में पूछ रहे थे। उन सभी के लिए आज के इस वीडियो में हम इंडियन मार्केट की अवेलेबल क्रूजर बाइक की लिस्ट लेकर आए हैं। और दोस्तों, इस सभी बाइक जो है आपको 2.20 लाख एक शोरूम प्राइस टैग के अंदर ही अवेलेबल हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आप भी रिसेंटली कोई क्रूजर बाइक लेने की प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 2 लाख है, तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आज के हमारे लिस्ट की फर्स्ट बाइक है ESD रोडस्टार, जो अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। बात करें इसके लुक की, तो दोस्तों कंपनी जो है बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर रखा है, जिसमें आपको क्लासिक टच के साथ साथ कई सारे मॉडर्न एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाती है। यही कारण है कि इस बाइक का लुक आज के हमारे लिस्ट की बाकी क्रूजर बाइकों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर बाइक के कुछ हाइलाइट्स की बात करें, तो दोस्तों इसके फ्रंट में जो है आपको एक कॉम्पैक्ट हेडलैम्प और एक स्प्लिट सीट सेटअप दी जाती है, जिसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्रोम ARC से हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा आपको बाइक में एक टाइटली पैक्ड इंजन एरिया, फ्रंट एंड रियर बोथ साइड चॉक फिंडर, ट्यूबलेस टायर एंड एलॉय व्हील्स ऑफर की जाती है, जो बाइक के लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करती है। इजी हैंडलिंग के लिए बाइक को जो है ड्यूल क्रेडल फ्रेम पे बेस्ड करके बनाया गया है, जिसके फ्रंट में सस्पेंशन का काम करने के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक एंड रियर में ट्विन गैस चार्जिंग शॉक एब्जॉर्वर का यूज किया गया है। ब्रेकिंग ड्यूटीज दी गई है बोथ साइड सिंगल डिस्क ब्रेक अलोंग विद ड्यूल चैनल ABS। अब बात कर लेते हैं बाइक के पावर की, तो दोस्तों यहाँ जो है आपको एक 334cc की लिक्विड कूलिंग सिस्टम वाला इंजन ऑफर किया जाता है, जो 29.7 BHP तक की पावर और 29 Nm तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है 6-speed ट्रांसमिशन के साथ। और इन सभी के अलावा बाइक में एक मॉडर्न टच देने के लिए आपको इसमें LCD स्क्रीन वाली फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल भी ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको बाइक के सारे मेजर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी। फाइनली दोस्तों, बाइक के प्राइस की बात की जाए, तो इसमें जो है आपको 5 कलर्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें से स्मोक ग्रे का एक शोरूम प्राइस है 1.98 लाख और हायर वेरिएंट क्रोम सीन सिल्वर का एक शोरूम प्राइस है 2.6 लाख एक शोरूम। हमारे लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है रॉयल इनफील्ड की मीटियो 350, जो ESD रोडस्टार की सबसे बड़ी कंप्यूटर बाइक है। अब बात करें बाइक के कुछ डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों ये बाइक रॉयल इनफील्ड की ऑल न्यू J प्लेटफॉर्म की फर्स्ट बाइक है, जो क्लासिक रेट्रो थीम कैरी करती है, जिस वजह से आपको बाइक में राउंड हेडलाइट विथ LED DRLs, टर्न इंडिकेटर्स, रियर व्यू मिरर, टेल लाइट, ये सभी राउंड शेप में ही मिल जाती है। फ्रंट एंड रियर फेंडर को काफ़ी ब्रॉड रखा गया है और बाइक में टीयर ड्रॉप शेप में एक फ्यूल टैंक भी दी गई है। बाइक में एक स्प्लिट सीट सेटअप का यूज़ किया गया है, जो काफ़ी डाउन है, जिस वजह से ये शॉर्ट राइडर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात करें बाइक के पावर की, तो दोस्तों यहाँ जो है आपको 349cc की सिंगल सिलेंडर एयर कूलिंग सिस्टम वाला इंजन दिया जाता है, जो 20.2 BHP तक की पावर और 27 Nm तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है 5-speed गियरबॉक्स के साथ। और दोस्तों ये अब तक की रॉयल इनफील्ड के सबसे कम वाइब्रेशन वाला इंजन है। बाइक के फ्रंट में सस्पेंशन का काम कर रही है टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। ब्रेकिंग ड्यूटीज दी गई है बोथ साइड सिंगल डिस्क ब्रेक अलोंग विद ड्यूल चैनल ABS। इसके अलावा बाइक के मीटर कंसोल की बात की जाए, तो इसमें जो है आपको एक मॉडर्न ट्विन पॉड वाला सेमी डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाता है, जिसमें आपको बाइक के सारे मेजर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी। और दोस्तों ये रॉयल इनफील्ड की फर्स्ट बाइक थी, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। फाइनली अब बाइक के प्राइस की बात की जाए, तो मीटियोर के सबसे बेस वेरिएंट फायरबॉल का एक शोरूम प्राइस है 2.1 लाख और सबसे हायर वेरिएंट सुपरनोवा का एक शोरूम प्राइस है 2.17 लाख एक शोरूम। लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है बेंटली इंपीरियल 400, जो बेंटली की एक मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल है। ये आपको 1,90,000 के स्टार्टिंग प्राइस में ही अवेलेबल हो जाती है। बात करें बाइक के डिजाइन की, तो दोस्तों इंपीरियल 400 लुकिंग वाइज बेंटली की एक प्रॉपर विंटेज बाइक है, जिसमें आपको राउंड क्रोम केसिंग के साथ राउंड हेडलाइट और क्रोम फिनिश टर्न इंडिकेटर्स मिल जाती है। इसके अलावा बाइक की टेल लाइट, मिरर्स, लीवर्स, स्पोक व्हील्स, ये सभी आपको क्रोम में ही दी गई है, जो बाइक के विंटेज लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस करती है। बाइक को जो है दोस्तों स्टील ड्यूल क्रेडल फ्रेम पे बेस्ड करके बनाया गया है, जिसमें आपको एक पिनियर सेफ फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट सेटअप, ट्विन पॉड वाली मीटर कंसोल दी जाती है, जिसमें आपको बाइक के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है।
अब बात करें बाइक के पावर और टॉर्क की। तो दोस्तों इस बाइक में जो है आपको मैक्सिमम 20.7 bhp तक की पावर और 29 nm तक की टॉर्क इजीली मिल जाती है, जिसे जेनरेट करती है एक 374 cc की सिंगल सिलेंडर इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। बाइक को जो है ड्यूअल क्रैडल फ्रेम में बेस करके बनाया गया है, जिसके फ्रंट में सस्पेंशन का काम करने के लिए 41 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रेयर में प्री लोडेड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया गया है। ब्रेकिंग ड्यूटीज कर रही है बोथ साइड सिंगल डिस्क ब्रेक अलोंग विद ड्यूअल चैनल ABS। ओवरऑल दोस्तों बाइक का लुक काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, साथ ही पावर भी आपको काफी अच्छी खासी मिल रही है। हालांकि फीचर्स के मामले में ये बाइक थोड़ी डाउन है, बट दोस्तों अगर आप प्रॉपर विंटेज लुकिंग बाइक चाहते हैं तो 1.90 लाख के प्राइस टैग में एक परफेक्ट मॉडल है। हमारे लिस्ट की लास्ट बाइक है बजाज एवेंजर क्रूज 220। 2005 में बजाज ऑटो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में पहली बार बजाज एवेंजर मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था। तब दोस्तों ये बाइक सिर्फ 180 cc इंजन के साथ ही आती थी, लेकिन बाद में इसे 160 और 220 cc इंजन के साथ भी लॉन्च किया गया। तभी से ये बाइक इंडियन मार्केट की एक प्रॉपर पॉपुलर क्रूजर मॉडल बन चुकी है। और दोस्तों अगर अभी भी कोई कम प्राइस में बेस्ट लुकिंग क्रूजर बाइक की बात होती है तो सबसे पहले बजाज एवेंजर क्रूज 220 का ही नाम आता है। बात करें बाइक के डिजाइन की तो दोस्तों ये बाइक एक प्रॉपर क्रूजर लुक कैरी करती है, जिसमें आपको ओवल शेप में हैलोजिन हेडलाइट विद LED डीआरएल्स, राउंड इंडिकेटर्स विद क्रोम फिनिशिंग, एक बड़ी सी विंडस्क्रीन, स्क्वायर शेप रियर व्यू मिरर्स, 13 लीटर की एक मस्कुलर फ्यूल टैंक, वाइड एंड कंफर्टेबल सीट और एक प्रॉपर ब्रेक रेस्ट ऑफर की जाती है। और दोस्तों बाइक में जो है आपको अपराइडिंग हैंडल बार्स, फॉरवर्ड सीट फुट पेग्स मिल जाती है। इसके अलावा बाइक के सीट को काफी डाउन रखा गया है, जो शॉर्ट राइडर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और इसकी सीटिंग पोस्चर भी एक प्रॉपर क्रूजर बाइक की तरह ही दी गई है। बात करें बाइक के पावर और टॉर्क की तो दोस्तों यहाँ आपको 220 cc की सिंगल सिलेंडर ऑयल कूलिंग सिस्टम वाली DTSI SOHC इंजन ऑफर की जाती है, जिसमें आपको 19.03 bhp तक की पावर और 17.55 nm तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। इस पावर के साथ ये बाइक आपको 40 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज और 120 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड इजीली दे सकती है। एवेंजर 220 को जो है टी व्हीलर ड्यूअल क्रैडल फ्रेम में बेस्ड करके बनाया गया है, जिसके फ्रंट में सस्पेंशन का काम करने के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक विद ड्यूअल एंटी फ्रिक्शन बूस्ट और रियर में 5 स्पीड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया गया है। फाइनली दोस्तों बाइक के प्राइस की बात की जाए तो ये बाइक आपको 1.33 लाख एक शोरूम प्राइस टैग के अंदर अवेलेबल हो जाती है, जो ऑन रोड आते आते 1.56 लाख तक हो जाएगी।